फर्स्ट एमसीक्यू 2019 का द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00002019 इज, अगर मैं नोट करूँ तो मैं कितने स्टेप्स मूव करूँ, मुझे ऑप्शंस को देख के इतना पता चल गया टू के बाद मुझे पॉइंट लाना। वैसे मुझे पता है वन डिजिट के बाद ही पॉइंट होता है, तो वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, फाइव स्टेप, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से पता चल गया फाइव स्टेप है, यानी हमारा जो ऑप्शन जो बी है, ठीक है, और हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं है। अब फाइव है, अब हमेशा याद रखो कि मैं राइट हैंड साइड की तरफ अगर जा रही हूँ तो मैं ना नेगेटिव लूँगी, अपोजिट राइट की तरफ जा रही हूँ तो नेगेटिव साइन राइट आंसर होगी। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती तो मेरा जो करेक्ट आंसर होता वो मेरा डी होता, बट चूंकि यहाँ पे मैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हूँ तो मेरा जो आंसर है करेक्ट आंसर वो ए है। ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इस तरह याद करो, वरना आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे याद कर सकते हो। राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन ऑफ यूज़ होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। ये बहुत ईजी, ये हमारी नॉलेज पर बेस करता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी है, मतलब वर्नियर कैलिपर है जो यूज़ करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए पाइप के। 2018 का जो फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। टोटल हमारे पास सेवन बेस क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उनको याद कर ले तो हमें आसानी से पता होगा कौन सी ड्राइव क्वांटिटी। फिर भी ड्राइव क्वांटिटी किस क्या होती है, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर है, हमें अगर याद हो बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, मास होता है, टाइम होता है, लेंथ होता है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात के अलावा, तो हमारे पास तीन जो क्वांटिटीज़ थी वो बेस थी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास डी था, क्योंकि डी जो है ना ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि वो बेस क्वांटिटी से मिल के बनी है। अगर वॉल्यूम का अगर यूनिट याद हो तो वॉल्यूम का मेरे पास यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, यूजुअली मीटर क्यूब, तो हमें पता है ये एक ड्राइव क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है, मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट मीटर है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। तो चूँकि वॉल्यूम का यूनिट ड्राइव है तो इसलिए ये हमारी ड्राइव क्वांटिटी है, बट मैं प्रीफर करूँगी आप बेस क्वांटिटीज जो सेवन है उनको याद कर लो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह के एमसीक्यू ये नॉलेज बेस है। फिर हमारा सेकंड एमसीक्यू, द प्रीफिक्स द प्रीफिक्स यूज फॉर द मल्टीपल वैल्यू ऑफ 10^-9 इज, ये भी नॉलेज बेस है। इसका आंसर हमारे पास नैनो है, सी। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई कि आप कैसे याद कर सकते हैं, तो मैं उसका लिंक दे रही हूँ ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप उसको देखें और उसे याद करने की कोशिश करो, आपके लिए ऐसे एमसीक्यू याद करना ईजी हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर से रेलेवेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत ईजी है ये, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स याद हो तो पहला रूल कहता है द फाइनल जीरोज और द जीरोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मीन्स दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट। बट सेकेंड रूल कहता है द जीरोज यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हेयर द जीरोज आर प्लेस होल्डर ओनली, मीन्स ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 5, दैट इज बी। फर्स्ट एमसीक्यू जो 2017 का वो है, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर, 2018 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था सेवन होती है टोटल, ठीक है, सेवन टोटल बेस क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास। बेस क्वांटिटीज़ होती क्या था, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, टोटल सेवन है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट टाइम से क्यों कह रहा, द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर इज 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, द वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन एस,
साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, 1 × 10^3। 3 क्यों? क्योंकि मैं 3 स्टेप्स मूव कर रही हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3, मतलब 1 2 3। मुझे 1 के बाद पॉइंट चाहिए तो मैंने 3 स्टेप मूव किया, तो इसलिए जो मेरा इसका करेक्ट आंसर है वो मेरा सी है, जो करेक्टली मैंने देखा मेरे आंसर से मैच कर रहा था, यानी इसका आंसर मेरे पास क्या है, सी है। इसका आंसर भी सी था, इसका आंसर भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द डायामीटर ऑफ अ मेटालिक वायर। अब मेटालिक वायर आपको पता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो इनमें से कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है हम यूज करते हैं। ठीक है, डी तो कंफर्म रॉन्ग था क्योंकि आपको पता है वो लिक्विड के लिए। ठीक है, मीटर रूलर में तो मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है वो काफ़ी बड़ा है, और स्क्रू गेज हमें पता है स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन द वर्नियर कैलिपर, यानी इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था वो हमारा सी था। और भी आपको पता है मास वेट करने के लिए, लेंथ के लिए ए और सी थे, हम आसानी से पहुंच जाते थे कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी है हमारे पास। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 और 3 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर से रेलेवेंट है, तो मैंने सोचा कि इनको बाद में करते हैं, पहले हम क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई यूजिंग वर्नियर कैलिपर एक्सेप्ट। अब हमें पता है वर्नियर कैलिपर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो डेप्थ में भी हम लेंथ मेजर कर रहे होते, लेंथ में भी हम लेंथ ही मेजर करते हैं, और डायामीटर में भी, बट वेट हम वेट वर्नियर कैलिपर के जरिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सवाल में एक्सेप्ट था। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास सी था, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द 204.600 इज। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में कहते हैं द जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, मीन्स दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट, एंड के जीरोज के लिए भी हमारे पास रूल्स हैं। फाइनल जीरो जीरोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, तो मीन्स ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो मतलब सारे नंबर जो ना सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए इसका जो आंसर था हमारे पास 6 था। टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। नीचे वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहे हैं द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.002016 इज। हमारे पास पहले हम पढ़ चुके हैं ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, द जीरोज यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हियर द जीरोज आर प्लेस होल्डर्स ओनली, मीन्स दिस 3 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली दिस 4 डिजिट्स जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। तो मतलब हमारे पास ये 4 जो है सिग्निफिकेंट नंबर्स है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये जो है हमारे पास ये इनिशियल 3 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मीन्स दिस 4 जो है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 6 के 6 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसलिए जो हमारा इसका राइट आंसर है वो 4 है बी। यहाँ पे हमारा आंसर डी था, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन क्यूबॉइड इज 0.03 मीटर क्यूब देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, यानी हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। मुझे वॉल्यूम गिवन था, मुझे लेंथ गिवन है, मुझे ब्रेथ गिवन है, मैं आराम से हाइट निकाल सकती हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला था वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और मुझे हाइट की वैल्यू निकाल, तो मैं आसानी से निकाल, मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दूँ, लेंथ की जगह लेंथ की, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की, और हाइट की। आ जाए इसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं। मैं 0.03 को डिवाइड करूं 0.5 से और डिवाइड करूं 0.2 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.3। क्या ये मेरे पास आंसर अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है मेरे पास, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी जो मेरा राइट आंसर था इस वाले एमसीक्यू का वो था सी। हमने कैलकुलेट करके देखा बिल्कुल आसानी से, हमने क्या किया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम पुट किया, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह ब्रेथ,
ठीक है, और हाइट आसानी से हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम शोइंग द पार्ट ऑफ द वन ईयर कैलिपर, द वन ईयर स्केल इज रीडिंग, वन ईयर स्केल रीडिंग इज, हमें पता करना है। तो हमें देखना है कि कौन सा जो है ना एग्जैक्टली डिजिट जो है ना मैच कर रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है 6 डिजिट है, अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो हमें यहाँ से देख के भी हम गैस कर लेते हैं 6 है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है मालूम करने का, 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। वन ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाता 0.6 मिलीमीटर, दैट इज बी। बी हमारा करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लेंथ। अभी ना हमें सबके लीस्ट काउंट पता होने चाहिए, हमें सबके अगर लीस्ट काउंट पता है तो हम आसानी से पता कर लेते हैं मीटर रूलर के, स्क्रू गेज के, मेजरिंग टेप के और वर्नियर कैलिपर के। हमें पता है मोस्ट प्रिसाइज जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है वो स्क्रू गेज होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी है। स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। टू थाउजेंड फोर्टीन का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेडियस 0.034 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो मुझे पॉइंट को कहाँ पे 3 के पास लेके जाना है। ठीक है, तो अगर मैं 3 के पास लेके जा रही हूँ तो मैं 2 स्टेप्स मूव करूँ 0 और 3, तो -2 हमारे पास 2 ऑप्शंस में, बट यहाँ से तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही हो रहा था, दैट इज़ बी। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो हमें पता है जीरोस यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स दिस 2 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट बट दिस 0 इज सिग्निफिकेंट, मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ए और बी दोनों थे बट दोनों कहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं, बी पे, मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ द एम्प्टी शुगर कंटेनर इन द गिवन फिगर इज, मतलब मुझे सिर्फ कंटेनर का मास पता करना है, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर का शुगर का मास दिया है 1 kg और टोटल रीडिंग है मेरे पास 1008.9 grams। तो kg को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूँ, 1 kilogram इक्वल्स टू 1000 grams। ठीक है, तो मीन्स मेरे पास मास ऑफ शुगर है 1000, मीन्स मेरे पास मास ऑफ शुगर 1000 grams था, टोटल मास ये था, इसमें से मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर ए आता। बहुत ईजी आप कैलकुलेटर से आराम से चेक कर सकते हो इसको, तो मैं इसको कैलकुलेटर से करके दिखा नहीं रही हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट, मीन्स सब जो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एक्सेप्ट, हमें पता है यूज ऑफ इंटरनेट इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो द एप्लीकेशन, द यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन, ए यूज ऑफ वैक्सीन इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। तो हमें से क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ए है, यूज ऑफ वैक्सीन इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की एग्जाम्पल चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए एसआई यूनिट जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है वो मीटर है, यानी मीटर्स इज करेक्ट। ठीक है, मास का जो एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, यानी ग्राम्स आर नॉट करेक्ट, और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, तो मीन्स दोनों एसआई यूनिट किस में करेक्ट है, तो वो हमने ईजीली देख लिया, दैट इज इन बी, यानी मीटर और केल्विन, मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास बी है। ये बहुत आसान थे एसआई यूनिट्स, अगर आप याद कर लो तो बहुत आसानी से हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, हमें पता है इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप हम वन ईयर कैलिपर के जरिए मेजर करते हैं, ये सी है इसका करेक्ट आंसर, हमारी नॉलेज पे बेस करता हुआ ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज सी।
सॉरी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन टू 0.4.600 इज, हमें पता है ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज़ कमिंग बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट। दिस जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी है। टू थाउजेंड ट्वेल्व का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने पहले ही कहा है कि आप याद कर ले, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है टोटल। तो अगर मुझे सही से बिल्कुल याद है तो मुझे पता है लेंथ, मास, टेम्परेचर और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेट इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी, वोल्टेज इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तीनों गलत थे और ये सारे करेक्ट थे, ठीक है। तो मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज मेजर बाई यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गोज। हमें पता है लेंथ को मेजर करने के लिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट वो डायामीटर है। टाइम के लिए आपको पता है सेकेंड, टाइम सेकेंड्स में मेजर करता है, वेट न्यूटन्स में और करंट एम्पियर के अंदर। यानी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर डी है, सेकेंड क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी है। थर्ड क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ पाइप विद अ सिंगल मेजरमेंट। हमें पता है इंटरनल डायामीटर कभी भी आप इसको याद कर लें, दैट इज सी, वर्नियर कैलिपर। यानी जो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है वर्नियर कैलिपर सी। थैंक यू।